कोरोना को हराना है, इसकी तैयारियां अब पूरी कर ली गई है। प्रदेश के हर जिले में पहले फेज के लिए वैक्सीन पहुंच चुकी है। प्रथम फेज में 24,900 वैक्सीन अलवर पहुंची हैं। आज जिला कलेक्टर ने प्रेस वार्ता में बताया कि कल होने वाले इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, जन प्रतिनिधियों सहित प्रशासन व विभिन्न संगठन शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य में टीकाकरण अभियान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 11 बजे इसका वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। इसके लिए जिले में 7 सेंटर बनाए गए हैं। शुरुआती दौर में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अब तक करीब 31,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें हाई रिस्क के लोगों को प्राथमिकता में रखा गया है। प्रेस वार्ता में CMHO डॉक्टर ओपी मीणा, PMO डॉक्टर सुनील चौहान, ADM प्रथम रामचरण शर्मा, ASP सरिता सिंह व PRO योगेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अलवर जिले में फर्स्ट फेज के वैक्सीनेशन के लिए 24,900 से हमारी वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। जी, किस तरीके से इसका कल 16 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय BC के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे। उस BC में MP साहब, MLA साहिबान, जिला प्रमुख, प्रधान, सभापति नगर परिषद और लीडर ऑफ द अपोजिशन नगर परिषद, नगर पालिका और कुछ NGOs और कुछ अच्छे चलो जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। इसकी कल शुभारंभ होगी। हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमने 7 सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें हमारा जनरल हॉस्पिटल अलवर, सोलंकी हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल, CSC भिवाड़ी, CSC निमराना और CSC बांसूर पर फर्स्ट फेज में टीकाकरण की शुरुआत करें। हमने इसके लिए लगभग 31,000 डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को आइडेंटिफाई करके पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। कल से शुरुआत होगी। वैक्सीन हमारे यहाँ जिला स्तर पर है। यहाँ से वैन के माध्यम से उनको CSC स्तर पर पहुँचाया जाएगा। एक प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी मेडिकल की टीम वहाँ ये सुनिश्चित करेगी उस व्यक्ति को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद में अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है या किसी प्रकार के उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं उस व्यक्ति का तत्काल उपचार करने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर ली गई है। Thank you.